हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आ रही होगी उसको भी पुश कर लें ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आज हम पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाने वाले हैं बहुत ही यूज़फुल चीज़ें, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आई होप आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने पुरानी बैंगल्स लिया है, उसको हम इस तरीके से ग्लू से स्टिच करेंगे। यहाँ से हम इसको अच्छे से स्टिक करके चिपका देंगे। और इसी तरीके से दोनों को हम एक दूसरे में चिपका देंगे। और फिर उसके बाद हमें रबर बैंड लेना है, तो इस तरीके का हम रबर बैंड इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हमें यहाँ से कवर कर देना है, तो इस तरीके से ये बिल्कुल स्ट्रेच होकर इसमें हम इसको कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे ये अच्छे से कवर हो गया है। और अब इसके बाद हमें इसके ऊपर आप चाहे तो पर्ल्स लगा सकते हैं, या तो फिर धागे से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, या तो फिर आप लेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी और इस तरीके से हम लेस को इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। यहाँ से हम लेस को इसके ऊपर स्टिक करेंगे और इस तरीके से लैस को कट कर देना है। और फिर यहाँ से हम अच्छे से इसको ग्लू से चिपका देंगे। ये देखिए, ये अच्छे से इस तरीके से चिपक जाएगा। बहुत ही अच्छे से ये चिपक गया है और इस तरीके से ये बनकर रेडी हो गया है। और इसी तरीके का आप कई भी कलर का बना सकती हैं, और इस तरीके से आप और भी सारे कलर्स के कलर के कलरफुल्स बना सकते हैं, या तो फिर एक कलर का बना सकते हैं। और इस तरीके का मैंने एक और बनाया है, तो इस तरीके से ये देखिए दो तरीके का बनाकर मैंने तैयार किया है। और इसको हम और भी कई सारे कलरफुल रबर बैंड से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक कैप, प्लास्टिक कैप लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, और इसको हम कट करेंगे। यहाँ से हमने इसको कट कर लिया है इसका कॉर्नर, और अब हमें इसके ऊपर रबर बैंड से इसको कवर करना है। तो यहाँ पे मैंने एक रबर बैंड लिया हुआ है और इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये बनकर रेडी हो गया है। इसको हम बहुत तरीके से कप के ऊपर रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर ग्लासेस के नीचे रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हम काफ़ी इसके सेट बना सकते हैं पूरा। तो ये इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और थर्ड हमारा है, हमने एक रबर बैंड लेना है और इसको अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है, तो ये अच्छे से काफ़ी चौड़ा हो जाएगा उस तरीके से। और अब हमें इसके सुई धागे से इसकी सिलाई करनी है। तो सुई धागे से हम इसके पहले कॉर्नर से इसको ले लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से
ये देखिए यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे और फिर दोनों कॉर्नर को हम एक दूसरे में मिला देंगे। और इसी तरीके से इसको फोल्ड करके फिर यहाँ से अच्छे से टाइटली स्टिच कर देंगे। और फिर इसी तरीके से हम इसका ईयर भी बनाएंगे, तो ईयर हम इसके छोटे छोटे बनाएंगे, तो इसलिए हमें थोड़ा सा छोटा सा इसका फोल्ड करना है और यहाँ से धागे से इसको हमें इस पर लपेट देना है। इसी तरीके से दोनों साइड में हम बना लेंगे। ये बनकर रेडी हो गया है और अब इसी तरीके से हम इसके हाथ भी बना लेंगे। ये देखिए यहाँ से इसको हम अच्छे से स्टिच कर देंगे। और इसी तरीके से हम इसके दोनों हैंड्स और दोनों लेग्स बना लेंगे। बहुत ही ईजली ये धागे में लपेटा जाएगा और अच्छे से ये बन जाएगा। तो इस तरीके से इसका पैर भी अब हमें बना लेना है। देखिए पैर आप चाहे तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं और इस तरीके से इसको भी हम लपेट देंगे। तो ये बनकर रेडी हो जाएगा और इस तरीके से दोनों साइड में हमें पैर भी बना लेना है। तो ये बनकर रेडी हो गया है और अब हमें इसकी आंखें बना लेनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी आँख बना लूँगी और यहाँ पे मैंने मुंह भी इसका बना दिया है। और इसको और डेकोरेट करने के लिए हमें एक साटन लेना है। तो यहाँ पे मैंने पतला वाला येलो कलर का साटन लिया है और इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको कट किया है और यहाँ से अब हमें इसको इसके ऊपर कवर करना है। तो यहाँ से हम इसके नेक पे इसको लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ से इसको हम स्टिक कर देंगे। तो मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है और अब इसके ईयर पे और इसके लेग्स पे हम अंडरलाइन कर देंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसको ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर देंगे। ये देखिए यहाँ से देखा, इस तरीके से हमें इसको बना लेना है। और अब हमें एक क्लिप लेना है जिसको हमने इसके ऊपर ग्लू लगाना है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल सी क्लिप ली है और उसके ऊपर मैंने ग्लू लगाया है और इस तरीके से अब हमें इसके ऊपर इसको स्टिच कर देना है। यहाँ पे अच्छे से ये स्टिक हो गया है और ये हमारी बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी क्लिप बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए इस तरीके से। और इसको हम हेयर्स में अपने लगा सकते हैं, अपने बच्चों के हेयर्स में या फिर कोई भी गर्ल्स भी से अच्छे से लगा सकती हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें लगाना है। तो फोर्थ हमारा है इस तरीके का कोई भी कप लेना है, प्लास्टिक कप जो कि आपके यूज़ में ना हो और पुराना हो गया हो या तो फिर आप उसका यूज़ नहीं करते हैं, तो इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर का यूज़ किया है, सिल्वर पेपर, और यहाँ पे इसको हमें अच्छे से इसको कवर कर देना है। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है, कवर कर दिया है। और अब हमें एक हेयर बैंड लेना है जिसको हम टाइटली इसके ऊपर लगा देंगे जिससे कि ये निकलेगा नहीं। और इसको अच्छे से स्टिक भी कर दिया है और इसके डेकोरेट के लिए भी थोड़ा सा हमने इसमें रबड़ लगा दी। आप चाहे तो दो रबड़, एक नीचे और एक ऊपर लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और ये हमारा कप होल्डर बनकर तैयार हो गया है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं या तो फिर आप पेन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने मेकअप का सामान भी इसमें रख सकते हैं। ये बिल्कुल इस तरीके का बनकर रेडी हुआ है।
कप से हमने होल्डर बनाया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये पेन होल्डर। और ये बैंगल्स जो हमने बनाई थी पुराने बैंगल्स का यूज़ करके, और ये कवर करने के लिए कप पे, और इस तरीके का हमने क्लिप भी बनाकर रेडी किया है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी नई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।